100। हाँ भाई 200 बात है कटिंग का, स्पाइसी भी या नॉर्मल भी है, जस्ट आपने देखना है कि कौन सा आपको चाहिए। और उसके 1400 हिसाब से किधर है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर आपने कटिंग करवानी है तो करवा के ही आएँ। वो सब गाइस कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है यार। इधर सलोन में आया था, तो आप कोशिश करें जब पाकिस्तान से आए या इंडिया से तो अपने लिए कंघी ले आएँ, क्योंकि इधर कंघी नहीं है, कंघी आपको मुश्किल से मिलेगी ना, इसलिए मुझे काफ़ी दूर आना पड़ा सलोन में। सलोन से आके कंघी लिया, कंघा लिया, तो फिर अभी कंघा किया मैंने। तो चले आए हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे, पूछते हैं कितने पैसे हैं कटिंग के, क्योंकि अगर ज़्यादा हैं तो मैं आपको बता दूं, ताकि अगर आप आएँ तो आने से पहले कटिंग करवा लें, अगर कम है तो फिर आप बेशक इधर आके करवा लें। एक्सक्यूज़ मी माई फ्रेंड, हाउ मच कटिंग, हाउ मच, हाउ मच? 200। हाँ भाई 200 बात है कटिंग का, अगर आपने आना है तो 200 बात लेके आए हैं कटिंग के लिए यानी 700, 1400 रुपया है। अगर पाकिस्तान का पैसा देखा जाए तो 1400 रुपया बनता है, तो भाई 1400 रुपया ले आइएगा तो आपकी अच्छी कटिंग करेंगे। तो अगर यही कटिंग पाकिस्तान में अगर आप करवा के आएंगे तो मैक्सिमम अच्छी से अच्छी कटिंग करवाएं ना, अच्छे से अच्छे सलोन में, तो आपका तकरीबन 200 से लगेगा। तो हिसाब लगा ले 200 किधर है और 1400 किधर है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा अगर आपने कटिंग करवानी है तो करवा के ही आएँ, और अपने साथ कंघी लेके आएँ, साबुन लेके आएँ, ब्रश लेके आएँ, ये चीज़ें काफ़ी लेके आएँ, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आते टाइम तो बंदा इनको इग्नोर कर देता है ना, लेकिन इधर आता है तो आते साल इनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। तो चलें सुबह सुबह आए हैं तो चलो नूडल्स ढूंढ लेते हैं। नूडल नूडल नूडल्स नूडल्स भाई नूडल्स लेने आया था मैं, बट नहीं लिए क्योंकि हमारे साथ एक हमारा दोस्त है पठान भाई, तो वो काफ़ी हराम हलाल के बारे में सोचता है, तो अगर मैं ले जाता उस पर लिखा नहीं होगा हलाल तो वो कभी नहीं खाएगा, इधर वापस भी नहीं चीज़ होती, तो इसलिए नूडल्स नहीं लिए। 400 रुपये का नूडल्स मिलता है पाकिस्तानी, तो आप कोशिश करें अगर आना ले के आ सकते हैं तो ले आएँ, नहीं तो इधर इधर से ले लें, सस्ते हैं, 50 50 महंगा नहीं है इतना, स्पाइसी भी या नॉर्मल भी है, जैसे आपने देखना है कि कौन सा आपको चाहिए उस लिहाज से आप ले आएँ। ये लाइफ है इधर की, हर बंदा मसरूफ़ है यार, इधर हर बंदा, किसी के पास भी टाइम नहीं है, बूढ़ा औरत, बूढ़ी माँ, बूढ़ा बच्चे, हर बंदा मसरूफ है। और इधर आप गुजरेंगे तो आपको बदबू आएगी हर जगह से, बदबू किस चीज़ की आएगी? बदबू आएगी हराम खाने की, इधर हलाल तो बेचते नहीं हैं, हराम चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए इधर अभी कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ। इधर का जो लोकल है उसने हर हर बंदे ने मास्क लगाया हुआ है, वजह ये है कि भाई ख़त्म नहीं हुआ कोरोना, हलाल खाओ भाई कोरोना ख़त्म हो। तो काइंडली जब भी आप आए इधर, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो आप यकीन करें कि आप अगली गली में भी जाएंगे अपनी हॉस्टल की तो आप गुम हो जाएंगे, इसलिए लोकेशन के बगैर कहीं मत जाएं। मेरे पास अभी लोकेशन नहीं है तो मुझे डर लग रहा है कि भाई ये ना हो कहीं गुम ना हो जाऊं, जो कि लगा है कि हो गया हूं।
नहीं मुझे पीछे जाना चाहिए यार, पीछे चलता हूँ, उधर से शायद जाऊँगा। इसलिए भाई लोकेशन साथ ज़रूर ले आइएगा। लोकेशन का मतलब कि आपके मोबाइल में इंटरनेट हो और आप इजीली उसमें डाल सको अपनी लोकेशन का नाम, तो वो बता देगी आप अभी किधर हो और आपकी लोकेशन पहले वाली किधर है, तो फिर आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इधर जो ज़्यादा लोग हैं उन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये चीज़ें लगाई होती हैं। ये देखो बूढ़ी औरत, मुझे खुद नहीं पता चल रहा यार किधर जाना है, मेरे ख्याल में उधर चलते हैं। किधर है शायद, भाई गलती किया मैं दोस्त के बगैर आ गया, क्योंकि उसके पास था इंटरनेट तो वो अभी सो रहा था, तो मैं आ गया इधर। अभी अल्लाह करे वापस चला जाऊँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। क्योंकि समझ भी नहीं ना आ रही किधर से आया हूँ किधर से जाना है। Never left.